भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के समीप बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस ने एक टोटो चालक और उसके बाद नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक टोटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक टोटो चालक की पहचान रजौन के खैरा निवासी राजेश रंजन यादव के रूप में हुई है। वहीं टोटो चालक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। करता हूं कि उनके चार बच्चे हैं, तीन बेटियां हैं और एक बेटे हैं, इनको सड़क दुर्घटना में बस से टक्कर लग करके मौत हो गई इनका। सरकारी बस से इनका टक्कर लग के वो मृत्यु हो गए, सरकार इनको मुआवजा दे। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस तेज रफ्तार से आ रही थी, उसी समय उल्टा पुल के ढलान पर टोटो जा रही थी, बस ने उसे टक्कर मार दी। लोगों ने बताया कि अगर नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले वाहन में टक्कर नहीं होती तो सैकड़ों दुकानदारों की जान जा सकती थी। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद बस के ड्राइवर मौके से बस छोड़कर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम जो है सुबह में कूड़ा उठाने के लिए, गाड़ी जो है खराब थी हमारा, और उधर से जो बस जो आ रही थी स्पीड में मोटा मोटी 80 की रफ्तार में, वो जो है टोटो वाले के पहले मारा, 5-6 आदमी घायल था उसमें एकदम से। उसके बाद आते हुए मेरे गाड़ी में आके ठोक दिया। उसके बाद ड्राइवर को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश किए, मगर ड्राइवर नहीं मिला। हमारा गाड़ी नहीं रहता तो 500 फल वाला जो है मर जाता। आज 500 आदमी का जान आज जो है निगम बचा लिया। ये मोटा मोटी 70 या स्पीड के रफ्तार में होगा, और गाड़ी का जो है बोलता है कि ब्रेक फेल हो गया होगा, तो ब्रेक फेल होने के कारण से तो मतलब ऐसा हो सकता है कि उधर करना चाहिए, मगर ड्राइवर आके इसमें नहीं लड़ना चाहिए, यही कारण से। गाड़ी तो मतलब पूर्णिया वाली बस है। बिहार के सरकारी स्कूल और शिक्षा व्यवस्था की हालत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कुछ शिक्षक व्यवस्था को सुधारने के लिए दिन रात ईमानदारी से मेहनत में जुटे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर भागलपुर की नौगछिया अनुमंडल के तुलसीपुर स्थित मध्य विद्यालय यादव टोला से निकलकर सामने आई है। मध्य विद्यालय यादव टोला की शिक्षिका सलमा कौसर के पढ़ाने का अंदाज इन दिनों सुर्खियों में है। सलमा कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाती हैं। सलमा का हिंदी, अंग्रेजी, कविताओं और फिजिकल एक्टिविटी के साथ पढ़ाने का यह अंदाज बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। यही कारण है कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति अधिक रहती है। इतना ही नहीं, विद्यालय में बच्चों का जन्मदिन केक काट कर मनाया जाता है। पढ़ाई, सफाई और अनुशासन के मामले में विद्यालय जिले में पहले स्थान पर है। सलमा कौसर ने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाने से बच्चे जल्दी सीखते हैं और कभी भूलते नहीं हैं। जब हमारी टीम विद्यालय पहुंची तो सलमा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के साथ पढ़ाती नजर आई, जिसे हमारी टीम ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप भी देखिए किस तरह से बच्चों के बीच सलमा घिरी नजर आ रही है। इस तरह से पढ़ाने का ये उद्देश्य है कि हम किसी भी एक्टिविटी, किसी भी चीज़ों को एक्टिविटी से और प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। कोई भी गतिविधि करवाना, और बच्चों को खेल कूद में मज़ा आता है, और अगर हम खेल कूद में बच्चों को कोई भी गतिविधि के साथ कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। जो बच्चे नहीं भी आ रहे थे बीच में, वो लोग भी ये यहाँ से विद्यालय से एक मैसेज आता है कि अरे मिस ना बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत मज़ा आता है क्लास में, खेल खेल में बहुत अच्छा करवाती हैं, तो चलो बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे एक मैसेज जाता है पेरेंट्स के बीच, बच्चों के बीच, क्योंकि बच्चे ना विद्यालय और गार्जियन के बीच एक बेस्ट मैसेंजर होते हैं, और बच्चे ही अपने घर तक, अपने गांव मोहल्ले तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जिससे कि स्कूल की उपस्थिति बहुत अच्छी होती है और बच्चे आते हैं। वहीं बच्चों को डेंगू के उपचार के बारे में बताया जा रहा है और बच्चे बड़ी गंभीर होकर सीख रहे हैं। छात्रा अलकराज ने बताया कि डेंगू के लक्षण और उपचार के बारे में बताया गया है। खेल खेल में पढ़ाई करना अच्छा लगता है और हम लोग आसानी से सीख भी जाते हैं। स्कूल में बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई होती है, सलमा मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ाती है, हम लोग मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, समझा समझा के पढ़ाती है, खेल खेल में समझाती है, जिससे हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बहुत मन लगता है। इसी की वजह से हम लोग स्कूल एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना चाहते। हाँ, बहुत इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, बहुत बहुत सीखने का मौका मिलता है,
गतिविधि भी होती है इस सब के लिए, एक सुरक्षित शनिवार। स्कूल के प्रधानाचार्य मुकेश आनंद ने बताया कि स्कूल में 431 बच्चे नामांकित है, जिसमें लगभग 400 बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं। सलमा कौसर के खेलकूद के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का तरीका बच्चों को स्कूल आने के लिए आकर्षित करता है। अगर मेरे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा कोई कार्य किया गया और लोगों द्वारा उनको सराहा जा रहा है तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है और इससे हमें और आगे अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, निश्चित रूप से गर्व महसूस होता है। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में काली पूजा को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, CTSP, SSP, ASP, अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई अधिकारियों के साथ शांति समिति और काली पूजा महासमिति के लोगों के साथ काली पूजा और विसर्जन जुलूस को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि विसर्जन के दौरान सभी मूर्तियों को समय पर शोभा यात्रा में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बैठक के दौरान कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेदर्स के प्रोडक्ट के लिए पूर्वी भारत का सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा ब्रांड श्री लेदर्स कोलकाता के नए शोरूम का बिहार के भागलपुर में शुभारंभ हुआ। भागलपुर के पटल बाबू रोड स्थित शोरूम का उद्घाटन बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक पूर्णिया शंकर कुमार झा ने किया। साथ में श्री लेदर्स के संचालक गोपाल मित्रा और रीमा मित्रा भी मौजूद रहे। शोरूम के उद्घाटन के साथ ही ग्राहकों की भीड़ शोरूम में उमड़नी शुरू हो गई। आज उद्घाटन के दौरान कई आकर्षक ऑफर कंपनी के द्वारा दिए गए थे, जिसका लाभ उठाने के लिए लोग शोरूम में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे थे। इस शोरूम में आपको हर उम्र की महिला, पुरुष और बच्चों के लिए चमड़े के प्रोडक्ट, खासकर विभिन्न तरह के जूते, फॉर्मल और केजुअल, महिलाओं के लिए चप्पल, जूती, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स सूट, डिनर सूट के अलावे बेल्ट, पर्स, वॉलेट, बैकपैक, सूटकेस की सारी वैरायटी उपलब्ध है। अभी शोरूम के उद्घाटन पर कई सारे ऑफर्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिसमें शुरुआती 1500 कस्टमर जो 1000 तक की शॉपिंग करेंगे उनके लिए विशेष ऑफर कंपनी के द्वारा दिए जा रहे हैं। उन कस्टमर को लकी ड्रॉ कूपन दिए जाएंगे, जिसमें पहले पुरस्कार के रूप में LED TV, दूसरे पुरस्कार के रूप में फ्रिज, जबकि तीसरे पुरस्कार के रूप में वॉशिंग मशीन के अलावे कई सारे सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। उद्घाटन के अवसर पर शोरूम की तरफ से विशेष बैकपैक जो कि 320 रुपये का था वो 160 रुपये में लोगों को दिए गए। उद्घाटन के साथ ही शोरूम में कस्टमर की भीड़ लगनी शुरू हो गई और कस्टमर वहां के प्रोडक्ट को देखकर काफी खुश नजर आए। शोरूम के संचालक ने उम्मीद जताया कि जिस प्रकार पूरे भारत में हमारे शोरूम को ग्राहकों का प्यार मिलता रहा है, भागलपुर में भी हमें ग्राहकों का प्यार मिलेगा। भारत का सबसे मध्यम वर्गीय में सबसे बड़ा ये ब्रांड है जो हमारे आपके शहर भागलपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक बहुत माने ईस्ट बंगाल ईस्ट इंडिया का सबसे बहुत बड़ा ब्रांड है जो भारत भागलपुर जैसे शहर में ये अपना ब्रांड स्थापित करके बहुत बड़ा ये हुआ है। यहाँ के पब्लिक को खरीदारी जो ये दिवाली के शुभ अवसर पर होगा, भागलपुर वासियों के सपोर्ट के साथ और ज़्यादा अच्छा हम लोगों को फील करवाए। हम लोगों का बहुत मन है कि हम लोगों को जो जितना प्यार हम लोग सोच रहे हैं उससे दुगना भागलपुर वासियों से हम लोगों को मिले। एक्सपेक्टेशन यही है कि जितना फुटफॉल सोचे हैं उससे दुगना हम लोगों को मिले, और हमको मतलब एक्सपेक्टेशन क्या, उम्मीद और एकदम हम कन्फर्म है कि वो चीज़ मिलेगी ही। लोगों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। भागलपुर में सीलेदस को लोग पहले से भी जान रहे हैं और उसका रिजल्ट हम लोगों को पॉजिटिव ही मिलेगा, ये आशा। बहुत प्यार देंगे हम लोगों के पास, जो फीडबैक आया है भागलपुर के लोगों से, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो ये सीलेदस का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कोलकाता जाना चाहते थे, लोग इतना इसको पसंद करते हैं, जब भी कोलकाता जाते हैं तो परचेजिंग करने के लिए एक बार सीलेदस जाते ही जाते हैं, और वो चीज़ अब हम लोगों को भागलपुर में मिल रहा है तो ये खुशी का माहौल है यहाँ के लोगों के।
दिवाली में पटाखा बेचने को लेकर सैकड़ों की संख्या में खुदरा पटाखा दुकानदार लाइसेंस की मांग को लेकर सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और वहां पर घंटों कर्मचारियों के साथ लाइसेंस देने की मांग को लेकर बहसबाजी हुई। खुदरा पटाखा दुकानदार पिछले कई दिनों से सदर अनुमंडल कार्यालय का चक्कर काट रहे थे और आज उनके सब्र का बांध टूट गया और कार्यालय के कर्मचारियों के साथ लाइसेंस निर्गत करने को लेकर बहसबाजी हुई। लंबे समय तक चली बहस के बाद कर्मचारियों ने बताया कि लाइसेंस निर्गत करने के लिए नियम बनाए गए हैं, उनकी लिस्ट दीवार पर चिपका दी गई है, जिसके बाद खुदरा पटाखा दुकानदार शांत हुए। इन लोगों का कहना है कि हर एक साल दिवाली के मौके पर लाइसेंस देने में इसी प्रकार से देरी की जाती है और खुदरा पटाखा दुकानदार परेशान होते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर समय से लाइसेंस दे दिया जाए तो इन लोगों को भी राहत होगी और पटाखे की बिक्री भी की जा सकेगी, लेकिन आखिरी समय में लाइसेंस देने से एक तरफ जहां भीड़ बढ़ती है वहीं ठीक से दुकानदारी भी नहीं हो पाती है। लाइसेंस के लिए पटाखा बेचने के लिए क्या कहा गया? ये आदेश अभी हुआ है और हम लोग हाफ डिबिट बना के रखे हुए हैं, लेकिन फॉरवर्ड उसमें चेंज हुआ है, ये अचानक अभी बोल दिए और कल बैंक बंद है, चालान भी जमा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे ये तो समझ में अभी नहीं आ रहा है। परेशानी बहुत है सर, 10 रुपया पहले ये होना चाहिए सर, 1 सप्ताह 10 दिन पहले सर, लेकिन हर बार सर यही होता है कि धनतेरस के दिन मिलता है 1 दिन पहले या धनतेरस जम दिया के बड़ा दिक्कत बहुत ज्यादा सर। भागलपुर के पुलिस लाइन में पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया, जिसमें राज्य के सेवा के दौरान शहीद हुए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही परेड कर सलामी दी गई। इस अवसर पर रेंज के डीआईजी विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित जिले के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस के जवानों ने शहीद हुए जवानों को फूलमाला चढ़ाकर उन्हें याद किया। इस बार बिहार राज्य से 2 पदाधिकारी, 1 हवलदार और 3 जवानों की शहादत हुई है, जिन्हें संस्मरण दिवस में याद किया गया। अभी पुलिस संस्मरण दिवस की परेड का आयोजन हुआ है यहाँ पर। इस बार बिहार राज्य से 2 पदाधिकारी, 1 हवलदार और 3 जवानों ने अपनी शहादत दी है, इसी के उनको सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर अभी इस पुलिस संस्मरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया है। दीपावली को लेकर युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में दर्जनों दिव्यांगजनों को उपहार एवं सहायक सामग्री प्रदान किया गया। उपहार प्रदान करने के बाद सभी दिव्यांगजनों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। उन्होंने विजय कुमार यादव का धन्यवाद जताया और कहा कि उनका कार्य सराहनीय है और हम सबों को हमेशा उनका सहयोग मिलता रहा है, उसके लिए हम सभी उनके आभारी है। वहीं इसको लेकर समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया, दिव्यांगों को कभी नहीं लगना चाहिए कि वे दिव्यांग हैं, उनके पास भी जज्बा है और वे अपने दम पर कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समाज के संपन्न लोगों को सामने आना चाहिए और मदद करनी चाहिए, तभी हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। इस अवसर पर विशाल अभिनंदन, संजय शाह समेत कई लोग मौजूद थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती के मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के भागलपुर स्थित आवास पर श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई। नगर विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के नेता ने श्री कृष्ण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। नगर विधायक ने कहा कि श्री कृष्ण सिंह के जैसे अभी कोई नहीं हो सकता, उनके रास्ते पर चलकर बिहार को आगे बढ़ने की जरूरत है। वो किसी एक दल के नेता नहीं थे, बिहार की तरक्की को लेकर उन्होंने जो कार्य किए वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों पर लोगों को चलने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। और आपको बता दें, बड़ा फक्र होता है कि बिहार जब से देश आजाद हुआ तब से श्री कृष्ण पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले सरकार जो बनी थी उसमें प्रधानमंत्री के पद पर थे, और आप उनके जो काम थे बिहार में, चाहे फर्टिलाइजर बलोनी रिफाइनरी का स्थापना हो, फर्टिलाइजर की स्थापना हो, या जो भी इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ उनके टाइम में शुरुआत हुआ, तो बिहार आगे बढ़ा है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात क्या है कि देवघर मंदिर में दलित भाई बहनों का प्रवेश नहीं था, उनके कार्यकाल में सबसे पहले उन्होंने देवघर मंदिर में उनका प्रवेश दिया। यह एक बताता है वो बिहार को किस रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहते थे, सबको एक नज़र से देखते थे। भागलपुर कोर्ट ने 4 साल पुराने हत्याकांड में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 55,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला लोदीपुर के कोयला गांव का है, जहां ताबड़तोड़ बमबाजी कर दिनेश शर्मा की हत्या कर दी गई थी, जबकि बम विस्फोट में दीपक शर्मा और हीरा शर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे। बमबाजी का सूत्रधार टिंकू शर्मा था, जिसके द्वारा दिनेश शर्मा के घर पर बम विस्फोट किया गया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजकुमार चौधरी ने फैसला सुनाते हुए टिंकू शर्मा को हत्या और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस घटना में दिनेश शर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके सर में गंभीर चोटें आई थी और इलाज के लिए अस्पताल जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। बमबाजी की घटना में दीपक शर्मा और हीरा शर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे। केस में डॉक्टर सहित 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान अभियुक्त टिंकू शर्मा को दोषी पाया गया, जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजकुमार चौधरी ने अभियुक्त टिंकू शर्मा को 302 के तहत आजीवन कारावास, 307 के तहत 10 वर्ष, 326 के तहत 10 वर्ष, वहीं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 10 वर्ष, धारा 4 के तहत 5 वर्ष और धारा 5 के तहत 5 वर्ष और 55,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा का भी आदेश दिया गया है। मां आनंदी फाउंडेशन की महिलाओं ने भागलपुर के स्थानीय सैंडिस कंपाउंड मैदान में 1008 दीपक जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई, जिसके बाद भजन पर सभी महिलाएं मंत्रमुग्ध होकर जमकर थिरकती दिखी। संस्थान की निदेशिका ने कहा कि अपने अपने घरों में अपनी देखरेख में ही दिया जलाएं और बच्चों को पटाखे एवं दीपक से अलग रखें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इस दौरान 1008 दीपक द्वारा दीप सज्जा की गई। दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले पर्यावरण को स्वस्थ बनाने को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ मां आनंदी फाउंडेशन के द्वारा पत्रकारों को चादर देकर सम्मानित किया गया। वहीं गरीबों के बीच दीपक व मिठाइयां वितरण की गई। बताते चले, मां आनंदी फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो महिला सशक्तिकरण पर एक मिसाल है। इस संस्थान के द्वारा सैकड़ों महिलाएं स्वरोजगार करते हुए अपनी गुजर बसर के लिए एक आधार बनाई है। आज हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, ये खुली आसमान के नीचे और धरती माँ के गोद में दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस कार्यक्रम में जो है हम लोगों का 3 मुख्य उद्देश्य है। एक तो पर्यावरण संरक्षण हेतु अवेयरनेस, और दूसरा जो है स्वदेशी सामान को यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने देसी सामान को यूज़ करें, और तीसरा जो है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हमारे उन लोगों को सम्मान देने के लिए या सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम है जो हमेशा अपने अथक प्रयास और श्रम से हमेशा दूसरों को हौसला को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो मीडिया भाई को सम्मानित करने के लिए भी ये कार्यक्रम रखा गया है।